चैती से बीटी जय गौ माता। वो मेरे नर के फूल आने लग गए हैं, मादा फूल भी आने लगे हैं देखो छोटे छोटे। ये मेरा पपीता है कि कितना छोटा है और फूल आ गए हैं। मैं कुछ नहीं किया, 20% ऊर्जा जो चराया है, दूसरा कुछ नहीं किया, कोई खाद नहीं डाला, कुछ नहीं, अपना TCBT की फॉर्मूला वाला खाद भी नहीं डाला, कोई रसायन भी नहीं डाला। तरबूज बनाया था, तरबूज के में वायरस आ गया था, फिर मैंने पपीता लगा दिया और पपीता बहुत बढ़िया चल रहा है। ये पपीता है, वायरस नहीं। अभी फूल आने के टाइम में इस खेत की बनर फूल, इस खेत में मटर बढ़ गई थी गर्मी के हिसाब से, तो भी पपीता ये हरा कच्छ इस धूप में अच्छे दिन से पानी नहीं मिला, 6 दिन के बाद मिला कल, तो भी पपीता हरा कच्छ है। देखो ले भैया, ऐसा है केर के अंदर पपीते नर फूल ज़्यादा आता है। 15 नंबर का बियारन है पर नर फूल का बहुत है, नर फूल आता है। बियारन में खामी आ गई, 15 नंबर से 15 रुपये पौधा लिया था मैंने, नर फूल ज़्यादा है, मादा फूल है। अब पपीते में क्या करना चाहिए देख रहा हूँ भैया, क्या क्या डालना, वायरस नहीं आ रहा। वो नर नर नहीं है, मादा है, वो नर है। तो कृपया बता के मेरे को किट मंगानी हो कपूर पर सबकी कोई भी, तो कृपया लिख के मेरे को भेज देना। जय राम जी की, जय गौ माता, जय TCBT।